बेटी है जी और ये बाप है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं सुबह हो चुकी है जी, तकरीबन 6:30 हो चुके हैं और या आज मैं कब्र का सूरज थोड़ा थोड़ा जी निकला हुआ है, तो यहाँ पर जी मैं कब्रिस्तान के गेट के सामने खड़ी हूँ। तो देखने आई थी कि आज उन्होंने कब्रों की लिपाई करनी है, तो मजदूर और मिस्त्री आए हुए हैं कि नहीं। यहाँ से मैंने देखा है जी मजदूर भाई तो काम कर रहे हैं, अभी मिस्त्री नहीं आया, आज कब्रों की लिपाई होनी है। तो अंदर चलते हैं जी, खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या कंडीशन है जी। ये देखिए जी भाई, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। अंदर चलते हैं जी गेट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम यार अल कबूर। और ये देखिए जी मजदूर भाई जो है वो काम कर रहे हैं। और ये देखिए जी सूरज काफी ज्यादा निकला है, घर में जी पता ही नहीं लग रहा था, और यहाँ देखिए जी कितना ज्यादा है निकला हुआ है जी, रोशनी है बहुत ज्यादा। ये देखिए जी मिस्त्री भाई भी आ गए हैं। ये देखिए अब ये जो मिट्टी बनी हुई है जी, इसकी मिस्त्री भाई ने लिपाई करनी है। और ये देखिए जी भाई मजदूर ने हमारी कब्रें जो छोटे बच्चों के थे जी ये बना दी है जी। जी मिस्त्री भाई जो है वो अब लिपाई करेंगे जी। ये देखें जी अबीब साहब के नाना जी की कब्र जो है वो बिल्कुल मिस्त्री भाई ने ठीक कर ली है, अब इसकी लिपाई कर रही है। आज तक पहले कह रहे जी सब की करेंगे जी। मजदूर भाई जी मिट्टी ला रहे हैं और ये जो फालतू है इधर डाल देंगे ताकि ये वाली मिट्टी नीचे गिर के इस गड्ढे में ना जाए। और अब ये देखें जी भाई जो है वो पानी लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी लपाई करने से पहले पानी जरूर लगाना है। दादी जान की कब्र अब ये ठीक हो रही है। और ये देखिए जी मजदूर भाई मट्टी ला ला कर तो वहां पे एंड पे जी बहुत ज्यादा गड्ढे बने हुए हैं, वहां पे फेंक रहे हैं। और ये देखिए जी हमारी कब्रें जो है माशाल्लाह कितनी अच्छी बन गई हैं जी, नीट क्लीन होती जा रही हैं जी। मिस्त्री भाई ने देखा आते सारी जी पानी छिड़काव करके तो ये सही कर दी। ये हमारी जी बच्चों की कब्रें हैं छोटी छोटी, ये सलमा ये जी सॉरी उस्मान की और हारिस की बहन की ये कब्र है जी।
तो ये देखे जी आप, ये जो मट्टी है गीली, ये अब भाई जो है वो डालने लगे हैं जी इस दाबड़े में, और लिपाई जो है वो स्टार्ट होने लगी। ये देखें जी बाजी मीना की वालदा की कब्र की लिपाई हो चुकी है, और अब ये जी हारिस और सलमान के नाना की कब्र की तैयारी होगी जी, ये इसकी लिपाई होगी। ये दूसरी जी कब्र की लिपाई हो रही है, एक खत्म हो चुकी है जी। ये दूसरी कबर जो है जी हारिस के नाना की कबर भी जी ये तैयार हो गई है, लिपाई हो गई है, और ये पहले भी अब चलेंगे जी ये दादी की कबर पर। और ये है जी तीसरी कबर, दादी की कबर है जी ये। ये कबर है जी ये उस्मान और हारिस की सिस्टर की, ये इसकी भी जी लिपाई हो गई है। और ये कबर है जी वीर साहब के नाना जान की और बाजी मीना के नाना जान की, अब ये लिपाई शुरू हो गई है जी इसकी। ये कबर भी जी मुकम्मल हो चुकी है जी, अल्लाह दर तदारी रखा। ये बेटी है जी और ये बाप है, अल्लाह पानी फाट नहीं जाए। ये देखिए जी सूरज जो है वो कितना सर के ऊपर आ रहा है जी, और इधर अभी मेरे ख्याल में जी 7:30 का टाइम है। और ये जी इरमा और मलाइका की सिस्टर यानी मेरी बेटी की कबर है जी। ये दो बच्चे हैं, ये जी बाजी के, ये बेटा और ये बेटी जी, इनके जी दो दो साल के बच्चे हैं, 7 साल के फोत हुए थे जी। ये उनकी दो कबरें हैं जी, एक जी और एक जी। और ये देखें जी बाजी के बेटे की जो कबर है उसकी लिपाई हो चुकी है, और ये है जी बाजी, ये वाली जो बाजी है जी इनकी बेटी की कबर है जी, तो अब इसकी लिपाई होगी। ये जी तकरीबन 2-2 साल 1.5-1.5 साल के सारे बच्चे हैं जी ये वाले, और ये सारे जिनकी डेथ हुई हुई है जी। चलिए जी ये वाली भी जी कबर बस होने वाली है, और ये बस जी कबर बस मुकम्मल होने वाली है, और उसके बाद जी इस कबर की लिपाई होगी। ये जी भाई के बेटे की कबर है, उस्मान हारिस के भाई की कबर, ये 4 साल का जी फोत हुआ था। ये जी ईंटे जो वहां से उखाड़ी हैं भाई कह रहे हैं, मैं सबकी कबरों पे जी एक एक दो दो रख देता हूँ। अच्छा। ये जी ये कबर आती है हारिस और उस्मान के जी मामू के बेटे की, ये कबर है जी।
ਰਜ਼ਾ ਰਾਮ ਜੀ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲਗਾਏਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਆਏਗੇ ਜੀ ਹਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਏਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸੀਲ ਲਵੋ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੋ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਜੀ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਭੀ ਜੀ ਭਾਈ ਮਿਸਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਬਰ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਜੋ ਕੰਮ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਕਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੀ ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਚਲੇ ਜਾਏਗੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਆਏਗੇ ਜੀ ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾ ਕੰਮ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਧੁੱਪ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ये देखिए जी गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है और ये देखिए जी अभी भी यहाँ से देखिए जी कब्रें आप माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़र आ रही है 12 दिन कब्रें हैं जी हमारी मैं बाजी घर आ चुके हैं बहुत ज्यादा सख्त गर्मी थी जी 9 हो चुके हैं अब चेक करते हैं जी गैस है या नहीं मेरे आने तक जी बच्चों ने सारे काम कर दिए भतीजी ने जी वाश कर दिया सारा कुछ काम कर दिए जी बर्तन झाड़ू मुँह धोने वाला सारा काम हो चुका है बाजी को बोला जी चेक करें गैस क्या पता चले गई हो तो फिर बनाते हैं नाश्ता ये देखिए जी धूप कितनी ज्यादा तेज आ चुकी है 12 बज चुकी है जी गैस अभी अभी आई है तो ये देखिए जी इस दरख्त के नीचे जी हमने चूल्हा रख लिया है तो यहाँ पे बनाएंगे जी नाश्ता क्योंकि सुबह से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया क्योंकि चले गए थे जी कब्रिस्तान तो अब यहाँ पे जी चाय रख ली है दूध है ये चाय बनेगी और ये सालन है जी रात वाला आलू अरबी का और ये जी बाजी आटा गूंदेगी तो साथ बना लेंगे जी पराठे और नाश्ता बन चुका है जी बन गया कितने पराठे रह गए एक पराठा रह गया जी और मैं ये सारे बर्तन भी अंदर लेके जा रही हूँ बच्चों को बोला है कि वो भी जी सारे बर्तन अंदर रखें जिसमें जी हमने चाय वगैरह पीनी है तो और सारे बर्तन जी अंदर लेके जा रहे हो यहाँ से जी मैं भी चाय वगैरह उठा तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है सर में बहुत दर्द है नाश्ता भी लेट हो गया आज जी गैस चली गई थी असि भी आज बच्चिया दे नाल खाने हां जी आज इकट्ठे करेंगे जी दोपहर का खाना सुबह का नाश्ता एक ही है नाश्ता जी बन चुका है और अंदर बच्चे रहे हैं जी तो सालन लाते हैं चाय भी आ चुका है सामने माशाल्लाह देखे जी शुक्र अलहमदुलिल्लाह जी नाश्ता आया 12 बज चुके हैं वो सब की चाय खाना सालन वगैरह सबको डाल दिए और अपनी अपनी चाय और अपना अपना सालन लेकर जी नाश्ता करते हैं तो अभी बस ये देखें जी ये चावल आए हमारे हमसायों के घर से क्योंकि मुहर्रम है जी तो मुहर्रम के सिलसिले में जी यहाँ पे फेरा में हर घर जी ये खत्म जरूर दिलवाता है तो खाना भी खा लिया जी नाश्ता जो सुबह का दोपहर को किया है तो बच्चे कह रहे हैं जी ये भी खाएंगे गर्मा गर्म है जी तो बाजी को देते हैं जी जिसने खाने में खा लेंगे और जिसने रखने में शाम को खा लेंगे जी ये देखिए जी मलाइका जो है वो पीड़ी को पीड़ा बना रही है पीड़ी बना रही है जी देखिए जी बनेगी तो पता चलेगा किस तरह की बनती है चावल बहुत टेस्टी है जी माशाल्लाह जी ये देखिए सबके हिस्से में आ चुके हैं जी ये वाले चावल मैंने खाए हैं जी चने वाले चावल है बहुत टेस्टी है इससे लग रहा है देख वाले लेकिन घर में बनाया जी उन्होंने शाम हो चुकी है जी और 6 होने वाले हैं तो मैं जी बाहर आ चुकी हूँ बहुत से काम है जी करने वाले यहाँ पे जी पानी का छिड़काव करते हैं ताकि थोड़ी सी जमीन जो है ठंडी हो जाए चारपाइयाँ बिछाते हैं बर्तन वाश करते हैं हलिया रखते हैं बाजी जी बाजार गई हैं बच्चों के साथ घर की कोई चीज़ें लाने वाली थी वो लेने गई हैं तो मैं उनके आने तक जी सारे ज़रूरी काम कर लेती हूँ
सेब मेरी पाली भी लग गया तो चार भाइयों ने मैंने बिछा ली। अब आज हम बनाएंगे जी दाल, मूंग मसूर की दाल जी मैं निकाल के लाऊंगी, इसको साफ करूंगी, फिर घड़िया रखूंगी साथ जिससे मैं बर्तन वॉश करूंगी। तो मेरा दाल मैंने निकाल ली है जी, ये है जी मूंग की दाल और ये है जी मसूर की दाल, ये है मसूर की दाल। और यहाँ पे जी बाजी भी आ गई है बाजार से, और ये देखे जी खरबूजा आम और ये जी देख का सामान ले आए हैं, और देख बनाएंगे जी 10 मुहर्रम को। चलो वाली तो घी और क्या क्या लेके आई बाजी? चने, बिरयानी डब्बे, हल्दी, इमली, गर्म मसाला, नमक, प्याज, घी, टमाटर ले लें इतनी जी फिर आज चीजें लेकर आई है। तो अभी तो फिर आज दाल को साफ करते हैं, उसके बाद हंडिया रखते हैं क्योंकि फिर जी वो गैस आ गई है, आ गई होगी है ना, तो बस ही टाइम वेस्ट किया बगैर दाल को साफ करते हैं। बस यहाँ पे जी हमने मूंग मसूर की दाल की रेसिपी बनाने की तैयारी कर ली है जी। तो आज बहुत ज्यादा मक्खी है जी, बल्कि 2-3 दिन से जी ये लेके सफाई भी इतनी की हुई है, फर्श मैंने यहाँ से वाश के लिए की हुई, मक्खी है मक्खी है। टाइम वेस्ट किए हुए जी दाल रखते हैं, ये है जी हमारी तकरीबन 1.5 पाव दाल, इसको जी हम सबसे पहले डाल लेते हैं पानी समेत। अब डालते हैं जी इसमें पानी, और पानी डालेंगे जी इतना कि ये दाल जो है हमारी गल जाए, और ये तकरीबन जी 1 देगची हमने पानी डाल दी है। और ये है जी 1 गट्ठा लहसुन का, 1 बड़ा गट्ठा देसी लहसुन है जी, ये देखिए। ये है जी 2 अदद टमाटर और 5-7 अदद जी सब्जी मिर्ची है, अब इनको भी डाल देंगे। 1 चम्मच जी नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच डालेंगे सुरख मिर्च, थोड़ी सी जी हल्दी डालेंगे। तो मैं दाल मैंने रख दी है जी, और साथ जी चावल निकालते हैं उनको साफ करते हैं और दाल के पकने का जी वेट करते हैं। तो मगरब की अजान हो चुकी है जी, दाल अभी ऊपर ही है, तो साथ जी हमने चावल साफ कर लिए हैं, अब इसको जी मैं वॉश करने लगी हूं। तो अभी बस दाल हमारी जी अभी पक रही है, ये देखिए जी अभी इसको उबाल आ रहा है, अभी ये दाल थोड़ी सी कच्ची है तो मैंने जी इसको दूसरे चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दी है, यहाँ पर मैंने देखी रख ली है। इसमें हम बना रहे हैं जी चावल, दाल चावल बना रहे हैं जी, तो सबसे पहले मैं डाल लेती हूँ इसमें घी, जीरा, घी गर्म हो चुका है जी, जीरे का तड़का लगाएंगे। तो देखिए जी लग चुका है, अब इसमें जी डालेंगे पानी, पानी है जी हमारा 4 गिलास क्योंकि 2 गिलास हमारे जी चावल है। तड़का लग चुका है जी चावलों को, पानी का उबाल आने का वेट है जी, फिर चावल डालते हैं और दाल दाल कह रही हूँ जी साथ जी फिर दाल को भी तड़का लगेगा। और ये देखिए जी पानी को उबाल आ गया, तो अब इसमें जी हम डाल देते हैं चावल, और चावल हैं जी हमारे 2 गिलास। और ये देखिए जी पानी खुश हो गया, अब दम लगाते हैं जी। तो ये चावलों को जी दम लग चुका है, अब ये दाल को जी हम लगाएंगे तड़का, और ये देखिए जी दाल हमारी तैयार है, और ये चावलों में थोड़ी सी पत्री डालेंगे जी, तो ये मिक्स हो चुकी है जी, अब इसको उतार फ्राई पैन रख लिया जी, अब इसमें डालते हैं घी तड़के के लिए, ये जी गर्म हो चुका है, अब इसमें जी ये डालेंगे लहसुन, लहसुन है जी तकरीबन 1/2 जवा हमारा 1/2 गट्ठा जी, लहसुन
लहसुन जी देखें हल्का हल्का फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें डालते हैं जी ये तकरीबन छः बस ये रेड मिर्ची हैं जी, ये डाल देते हैं, थोड़ा सा जी जीरा डालते हैं, ये सूख मिर्च डालते हैं, ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है, अब इसे डालते हैं जी देखची में। अब इसमें डालते हैं जी एक अदर लेमन, तो भी बस खाना जी हमारा पक चुका है और बच्चे जी अंदर खाना लगा भी आए हैं, तो मैं यहाँ पे पंखे के आगे बैठी हुई थी, बहुत ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा था, तो अब चलते हैं जी और खाना खाते हैं और आपके साथ ही शेयर करते हैं। तो अभी बस खाना जी लग चुका है और ये देखिए जी खीरा और ये प्याज है, सलाद बन चुका है जी, तो दाल जी पकी हुई है, सामने बाजी डालेंगे, बच्चे साइड में बैठे हुए हैं तो बाजी जल्दी जल्दी डालेंगी और खाना हमें पेश करेंगी। और ये देखिए जी चावल, व्हाइट चावल थोड़े थोड़े तड़के वाले, ज्यादा तड़के वाले नहीं है, व्हाइट तड़के वाले। और ये देखिए जी चावल जी सारी प्लेटों में बाजी ने डाल दी है, पांच प्लेटों में, अब डालें जी बाजी दाल, दाल दाल ये है जी मूंग मसूर की दाल, ये मूंग और मसूर की दाल जी, दाल चावल जी सबको पसंद है, आज बच्चों ने शौक लिया हुआ था दाल चावल बनाए, तो समझ नहीं ना हम देखिए पकाई है ये दाल चावल को, हाँ जी ये फिर आसान रेसिपी है ना बन जाती है जल्दी जल्दी। और ये देखें जी दाल की लुक तो बहुत अच्छी लग रही है, अब खा के पता चलेगा जी किस तरह की बनेगा, चले जी दाल तो है डाल दी, सलाद, हाँ जी अब बाजी सबको सलाद रख दें जी, और ये देखिए जी सास सलाद भी रख दिया बाजी ने सबको, सबकी प्लेटों में जी सलाद भी आ चुका है, जी सामने माशाल्लाह जी दाल चावल और सास सलाद, तो अचार जी अचार की कमी लग रही है तो बाटी में लेकर आई हुई हूँ, उसमें अभी कुछ नहीं लाया हूँ, तो सोच रहे हैं जी कल या परसों मुहर्रम हराम के बाद अचार डालेंगे ताकि इधर भी जी हम खा लें और घर भी ले जाए, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हम खाने का आवाज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी खाना तो बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल ही नमक मिर्च बिल्कुल पकड़ता है, क्यों भाई मजेदार पकड़े मजेदार बना है, चलो बस खाना खाते हैं जी और अब आपसे जाना चाहेंगे हस्बैंड वाइफ गेस्ट होती है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, हमारे जितने बैठ भाई दोस्त बाब हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे सब रिजल्ट में लगा के ज्यादा फरमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, तो ये बहुत से नीचे कमेंट्स आए हुए थे कि ये वाला घर किसका है और वो वाला घर किसका है, तो फिर मैंने बहुत दफा बताया जी आपको कि ये वाला घर भी हमारा है और वो वाला घर भी जी हमारा है, पहले जी हम सारे यहाँ पे इकट्ठे रहा करते थे, मेरा मेका और ससुराल सारे जी, वो वाली साइड जो थी वो मेके वालों की थी, जो मेरे भाई हैं जो जी आप गुजरा वाले में शिफ्ट हो गए हैं, तो और हम जी वहां पर जीराबाद शिफ्ट हो गए, तो फिर यहाँ पे ये किराए पे दिया हुआ है जी ये मकान, तो इसको जी बहुत ज्यादा मरम्मत की जरूरत थी, वो जी मैं छुट्टियों में आई और करवा ली है, तो जितने दिन जी ये काम हो जाएगा तो फिर आप वापस चले जाएंगे, बहुत से कमेंट्स होते हैं जी आपने वापस कब जाना है, तो जो ही ये काम सारा मुकम्मल होगा जी हम फिर वापस चले जाएंगे अपने उस वाले घर में जहाँ से हम आए थे,
तो अब यकीनन जी आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, तो इजाजत दीजिए जी, खुदा हाफिज़।